अब हम बात करते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024 मॉडल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नई वाली, इसके इंजन की। तो इंजन का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी ने इंजन को चेंजेस किया है और ये जेड सीरीज़ का इंजन यानी जेड टाइप का इंजन दिया गया है और ये 1.2 लीटर पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन रहने वाला है और 1197 cc रहेगा। तो मैक्सिमम जो पावर वो 60 किलोवाट पे रहेगा 5700 rpm पे और मैक्सिमम जो आपका रहेगा ये पावर वो PS में रहेगा 81.58 का 5700 rpm पे ही और मैक्सिमम जो टार्क है वो आपका रहेगा 111.7 Nm का 4300 rpm पे। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की, फिर आपको माइलेज बताते हैं। देखिए जो इंजन है ये जेड सीरीज़ का इंजन कंपनी ने इसलिए 3 सिलेंडर किया है कि ये जो माइलेज आपको ज़्यादा दे, पहले वाली से गाड़ी ज़्यादा माइलेज देगी। बाकी बिल्ड क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है और किस तरह से इसको बिठाया गया है। तो यहाँ पर आप पूरा इस तरह से रेडिएटर का सेटअप वगैरह देख सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक आपको मिल ही जाएगी, 3 स्टार है ये, 6 एयरबैग क्योंकि इसमें अब आपको मिलेगा और इस साइड से भी आप इंजन देख सकते हैं। बैटरी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इंजन आपको बिल्कुल नया मॉडल का मिलेगा और माइलेज जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन यानी MT में देगी, 5 गियर की गाड़ी है ये, तो 24.80 का देगी माइलेज और AMT में 25.75 का, CNG में लगभग 29 का माइलेज ये गाड़ी देने वाली है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी आप लेना चाहें। तो 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मिलने वाली है इस गाड़ी की।